स्वागत है आप सारे भाइयों का मेरे इस न्यू वीडियो में अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है हेमंत हैंडसम हर एक लड़का बनना चाहता है अच्छा हर कोई दिखना चाहता है आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा भाइयों जिनको फॉलो करके आप लोग इंस्टेंटली हैंडसम लग सकते हो इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ेगी दोस्तों जब आप लोग किसे मिलने जा रहे हो जब आप लोग शादी में जा रहे हो पार्टी में जा रहे हो किसी ओकेशन पे किसी स्पेशल दोस्त से गर्लफ्रेंड वगैरह से मिलने जा रहे हो तब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा और हमेशा हम लोग कहीं कही ना कहीं जाते ही रहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए एंड आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात यह दोस्तों की मैं कंपनी के साथ टाइप किया है अगर आप लोग मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं अपनी समस्या है, मुझे बताना चाहते हैं कोई भी ए टू जेड तो आप लोग दोस्तों एक प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं मात्र एक सौ में जिसमें मैं आप लोगों से दोस्तों कॉल पे बात करूंगा पर्सनली एंड दोस्तों आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दूंगा सो बहुत ही अच्छा साथ है आप लोगों के लिए नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मैसेज करके आप लोग अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और अमाउंट भी बहुत कम है भाइयों मेरे ख्याल से सो so, चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ तो so, भाइयों पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है स्मेल जी हाँ दोस्तों स्मेल मुंह से आए दोस्तों या बॉडी से आए दोस्तों दोनों ही बहुत ज्यादा खराब लगती है एंड दोस्तों जब हम लोग इंस्टेंटली कहीं जा रहे होते हैं सब दोस्तों अगर ये स्मेल आए तो पूरा माहौल बिगाड़ देती है चलिए भाई हम बात करते हैं हम कि स्मेल आखिर क्यों आती है सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं देखो दोस्तों जब हमारी बॉडी में ज्यादा हेयर्स ग्रो होते हैं और पसीना साथ साथ आता है उन लोगों को ज्यादा बॉडी से बदबू आती है उन लोगों के कपड़ों में ज्यादा बदबू लगती है एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनके बाल नहीं रहते बदन पे अब देखो बाल उगना तो नेचुरल प्रोसेस है इसे हम रोक नहीं सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों टाइम टू टाइम अपने बालों को कट कर सकते हैं टाइम टू टाइम अगर आप लोग अपने बालों को बॉडी से करोगे एक तो आपको पसीना कम आएगा आप ये चीज नोटिस करने लग जाओगे कुछ ही घंटों के अंदर दूसरी चीज भाई अगर पसीना आया भी तो आप लोगों को दोस्तों उस पसीने में बदबू नहीं आएगी ना आपके कपड़े बचे रहेंगे और आसपास के जो माहौल होगा उसे आप गंदा नहीं करोगे बात करते हैं दोस्तों मुंह के स्मेल की मुंह का स्मेल दोस्तों अक्सर हमारी क्यों आती है कि जब हम ब्रश करते हैं बट अपने ब्रश को दोस्तों हम अपनी जीप पे रब नहीं करते टंग क्लीनर आता है दोस्तों बहुत से लड़के उसे यूज़ नहीं करते जिनकी वजह से दोस्तों स्मेल उनके मुंह से आती है तो ये भी एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होती है दोस्तों जब आप किसी स्पेशल जगह पे जा रहे हो सो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई आइए इनके समाधान की बात करते हैं अगर आप लोगों को मुंह से स्मेल आ रही है तो जब भी आप लोग कहीं स्पेशल जगह पे जाओ उससे पहले आप लोग ब्रश कर लीजिए एंड दूसरा टंग क्लीनर से अपनी टंग को साफ कर लीजिए एंड अगर आप लोगों की बॉडी स्मेल आती है तो मैंने आपको बताया कि अपने बॉडी के हेयर्स को टाइम टू टाइम कट ताँट किया करो चाहे अंडरआर्म्स हो चेस्ट हो कहीं के भी हो और साथ में दोस्तों अपना डियो जरूर रखा करो परफ्यूम जरूर रखा करो आजकल बहुत छोटे छोटे भी आने लग गए हैं और आप इजी टू कैरी होते हैं पॉकेट में डाल के रख सकते हैं सो आई होप दोस्तों इस टिप को आप जरूर फॉलो करेंगे ओके okay, जो सेकंड जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है कंफ्यूजिंग इन कलर जी हाँ दोस्तों अक्सर लड़के किसी स्पेशल ओगेजन पे जाने के लाइक like अगर किसी पार्टी में जाना है गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है कहीं भी जाना है कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा कलर पहने और इस चक्कर में बहुत ज्यादा समय उनका बर्बाद होता है एक हैक में एक टिप आपको दूंगा दोस्तों की ब्लैक एंड व्हाइट कलर की शर्ट टी शर्ट अगर आप लोग के पास है है, तो आप लोग इसे वेयर करो ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोस्तों दो ऐसे यूनिवर्सल कलर्स होते हैं दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं कि जब भी आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट कलर पहनते हो ये आप लोगों पर ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है सो so, कोई टेंशन की बात नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट करके शर्ट टी शर्ट जींस वगैरह अपने पास रखो इन्हें वेयर करके जाओ डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे बाय द वे मैं अपनी टी शर्ट शर्ट के बारे में बताता हूँ सो बाय द वे मैंने अभी एक शर्ट परचेज करी है अमेजोन से आप लोग देख सकते हो काफी अच्छी है बेसिकली मुझे चाइनीस कॉलर पसंद है बहुत ज्यादा सो so, ये डेनिस लिंगो की है दोस्तों सो so, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं अमेजोन पे आप लोग जाके देखिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शर्ट काफ़ी अच्छी है एंड इनकी पोस्ट में इंस्टाग्राम वगैरह पे भी करता रहता हूँ आप लोगों को यहाँ पे फोटो भी दिख रही होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार जरूर चेक करिए थर्ड जो टिप आती है वो है हेयर कट की तो अक्सर लड़के क्या करते हैं जैसे हमें पार्टी में जाना है किसी ओकेशन में जाना है तो उनके बाल जो है वो सेट नहीं रहते अब वो सोचते हैं कि चलो हेयर कट करा देते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग तुरंत हेयर कट कराओगे जैसे कि आज आपको जाना और अगर आपने आज ही हेयर कट कराया कल हेयर कट कराया

चीज भी फॉलो करके देखना डेफिनेटली भाई मैं तो करता हूं आप लोग देखना जब भी मुझे शूट करना होता है अपनी वीडियो का किसी का भी तो मैं तीन से चार दिन पहले अपना हेयर कट कराता हूँ देन दोस्तों मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ तो काफ़ी अच्छा है कि एक बार यूज़ इसे ज़रूर करना उसके बाद भाई नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है बेल्ट का सो बहुत से लड़के क्या गलतियाँ करते हैं, हैं दोस्तों की बेल्ट अच्छी नहीं पहनते सो बेल्ट अच्छी ना पहनने से होता क्या है दोस्तों की एक तो उनकी जो जीन्स है उसकी फिटिंग ख़राब हो जाती है दूसरा क्या होता है कि हम लोग की बेल्ट जो होती है अगर हमें टक इन करना है तो अगर बेल्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो बहुत चीप लगता है तीसरी गलती हम ये करते दोस्तों कि हमारा जो बेल्ट होती है वो शूज़ से मैच नहीं करती सो so, क्या होता है दोस्तों मेजरली अगर आप लोगों की बेल्ट जिस कलर की है आप लोगों को वैली या अपने शूज जो होते हैं उस कलर के पहनने चाहिए मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ वैसे इतना कंपलसरी नहीं होता लेकिन फॉर्मल्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है सो so, मैं आप लोगों को दो बेल्ट रिकमेंड करूंगा वहीं जो मैंने मंगवाई एंड इनकी क्वालिटी एकदम औसम है कहाँ से मंगवाई ऑब्वियसली एमेजोन से सो so, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा प्यारी है एंड दोस्तों मैंने दो कलर मंगाया ब्लैक एरिक टैन कलर क्यों मंगाया दोस्तों क्योंकि ज्यादातर हमारे जूते वो ब्लैक कलर के ही होते हैं या फिर दोस्तों टैन कलर में हम लेते हैं अच्छे

कर सकते हैं उसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है ट्राउजर एंड ट्राउज का जी हाँ दोस्तों अक्सर लड़के क्या करते हैं ट्राउजर ज्यादा पहनते तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों चीनोज आप लोग ज्यादा प्रेफर करो और चीनोज में भी आप लोग प्रेफर करा करो दोस्तों स्लिम फिट या स्किनी फिट स्लिम फिट और स्किनी फिट होने से ये फायदा होता है दोस्तों कि आप लोगों को बाहर से फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती एंड आप लोगों का जैसा शेप है उसी शेप में हमारे वो चीनोज़ आ जाते हैं अगर आप लोगों को ट्राउज़र पहनने का शौक है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रा चीनोज़ की तरफ स्विच करो एमेज़ोन पे बहुत सारे आपको कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे मेरे पास अभी एक नेवी ब्लू कलर का चीनोज़ है इसकी फ़िटिंग इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे बाहर से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट हाँ लेंथ में जिसको इशू रहता है जैसे मुझे रहता है तो लेंथ अगर आप लोग बाहर से कटवा भी लोगे बट आप लोग की पूरी जो ये जो शेप है फिटिंग है बहुत ही बढ़िया आती है एंड आप लोगों को देखना हमेशा ये है कि स्ट्रेचेबल आप लोग ट्राउज़र पहनने का शौक है तो स्ट्रेचेबल ट्राउज़र लो या स्ट्रेचेबल चीनोज लो ये बहुत ज़रूरी होता है तभी फिटिंग अच्छी आती है सो so, मेरे पास एक ट्राउज़र है दोस्तों आप लोग देख सकते हो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया है दोस्तों एंड अमेज़न में दोस्तों ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और अमेजोन को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ भाइयों क्योंकि ये ना और जो आप, प्लेटफॉर्म है वो लोग दोस्तों डिलीवरी में बहुत डिले करते हैं कोई स्टेटस नहीं होता उनका लेकिन यहाँ पे जो लिखा होता है उसी टाइम पे आता है <coughs> तो मैं लिंक सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में लव यू एंड दुआओं में याद रखना